अब तो अनुभव ये है कि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य में चले गए, वहां बैठे हुए हैं आप, समझ लीजिए। अब आप कैसे जानिएगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं? मन में कोई इच्छा करके देखना चाहिए। पहली बार कोई भी इच्छा आप करके देखिए, परमात्मा समर्थ है और आप उनके भक्त हैं, आपकी हर एक इच्छा वो पूरी करे। बहुत सुंदर था। दूसरी बात यह है कि सामूहिक चेतना की बात आपने कही होगी कि अब आपकी चेतना जो है ये सामूहिक हो गई, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सामूहिक माने कि अब दूसरा कोई नहीं रह गया। अपने उंगलियों के इशारे पर आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े और दूसरे के कौन से चक्र पकड़े। अब सिर्फ इन चक्रों पे कौन सी देवता है और किस तरह से उसे प्रसन्न करना है, बस ये सीख लिया कि काम खत्म, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो सिर्फ आपको जो करना है वो ये कि महसूस करें अपने उंगलियों में। अच्छा, एक छोटी सी चीज सोचें कि हम लोग हैं यहाँ श्री गोविंद जी का मंदिर है ना, ये पूछिए कि माँ श्री गोविंद जी जो यहाँ पर विराजते हैं ये स्वयंभू हैं कि नहीं, ऐसे हाथ करके पूछिए। एकदम बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। तरह तरह की सुगंध आती है, तरह तरह की। हाँ, बढ़ गए। आ रही नहीं? आ रही, आनी चाहिए। तरह सी रगल बता चाहिए जी। उसको सेंसिटिव होते आप। हाँ, अब देखिए सवाल पूछने पर जोरों में वाइब्रेशन आ जाने चाहिए, क्योंकि है वो स्वयंभू। अब जो स्वयंभू होते हैं ये क्या चीज है, ये पृथ्वी तत्व ने विशेष रूप से बना करके, क्योंकि पृथ्वी तत्व में भी इंटेलिजेंस है, शुद्ध बुद्धि है, और उस शुद्ध बुद्धि से उन्होंने ये सब इस तरह के आकार प्रकार बनाए हैं जो इस संसार में अकस्मात निकल आते हैं। और जब आने के बाद उनमें से जो चैतन्य बहना शुरू होता है उससे सारी सृष्टि को वो पवित्र रखती है, जैसे फूलों से वो सुरभित रखती है जिससे सुगंधित रहता है। उसी प्रकार हर युग में ये पृथ्वी तत्व में से ये विशेष आकार प्रकार जो है निकल आते। अब ये सही है कि नहीं ये कैसे जाने, क्योंकि आत्मा जो है ये संपूर्ण एब्सोल्यूट। इसका उत्तर जो है वो आप पूछे किसी भी चीज के लिए, क्या ये स्वयंभू है? किसी इंसान के लिए आपको पूछना हो, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए बात जिसको शायद आप नहीं जानते, कि मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे, ठीक है, हाथ रख के पूछिए, क्या मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे? चल पड़ा, बढ़ गया। तभी आप आज आए ना, जरा सी प्रगल बता चाहिए, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता जरा बढ़ने पर एकदम अब जो है वो सबके हो गया। देखिए अब बढ़ रहा, क्योंकि ये महान सत्य और इसके सहारे, इस अनुभव के सहारे जो सत्य है उसको आप मानने चलेंगे और जो असत्य है वो गिरता जाए।
और इस असत्य के ही हमने बेड़े बना रखे हैं, इसी के जेल बना रखे हैं, इसी के बंधनों में हम फंसे हुए। ये असत्य अपने आप रहने लग जाता है। जब आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो आपके सामने सत्य प्रकट होता है, आप सत्य को जान सकते हैं कि सत्य की असत्य। अब आप देखिए कि किसी किसी गुरुओं के लिए हम कहेंगे ये ठीक नहीं, किसी के लिए कहें ठीक है, पर ऐसे भी लोग जो अच्छे गुरुओं के पास गए उनकी कुंडलिनी रुक जाती। तो आप कहिएगा कि माँ रुक क्यों गई, उन्होंने रुका दी। समझ लीजिए शिरडी साईनाथ के आप शिष्य हैं, वो तो थे ही दत्तात्रेय, कोई बात नहीं, फिर उनके शिष्यों की क्यों कुंडलिनी रुक गई? वजह यह कि वही कहते हैं कि पूछो कि माँ क्या आप ही हो सत्य साईनाथ बाबा, सत्य नहीं साईनाथ बाबा, शिरडी के जो सही वाले असली है वही आप हो? ये सवाल आप पूछो, आप शिरडी के साईनाथ हो? आ रही बढ़ जाती धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है। देखिए अभी तक तो हमारी सूक्ष्म नहीं रही, सूक्ष्मता बढ़ती जाती, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है एकदम आप जान जाइएगा कि यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं, फिर कोई इसमें वाद विवाद करने की बात नहीं, वो तो आप स्वयं ही साक्षात जान जाइए कौन सी बात है।